CAA से पड़ोसी देशों से घुसपैठी आएंगे, ये देश के लिए खतरनाक। केजरीवाल का अमित शाह को जवाब। जी हां, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर CM केजरीवाल के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। भाजपा जमकर केजरीवाल पर हमला बोल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वहीं नाराज हिंदू शरणार्थियों ने भी केजरीवाल की आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। CAA को लेकर मचे घमासान के बीच केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इससे भारी संख्या में पड़ोसी देशों से घुसपैठिए भारत आएंगे। मैंने बताया था कि CAA कैसे खतरनाक है। बाहर से लोगों को लेकर उन्हें राशन कार्ड दिया जाएगा। हमारे लोगों को तो नौकरी मिल नहीं रही, बाहर से आने वालों को कहां से देंगे, ये देश के लिए खतरनाक है। CAA पर अपने बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया के जवाब में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, गृह मंत्री ने अपने बयान में मेरे द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, उनसे पूछिए। जब हम अपने ही लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं है तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को रोजगार और आवास कैसे देंगे। CAA के कारण जो पलायन होगा वह विभाजन के दौरान हुए पलायन से भी बड़ा होगा। एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना धैर्य खो बैठे हैं, आपा खो बैठे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये सभी लोग पहले ही भारत में आ चुके हैं और रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वे क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते, रोहिंग्याओं का विरोध क्यों नहीं करते, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के बारे में तो ये नहीं बोलते, वे विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं, उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए। नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन से पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को ये विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। नागरिकता अधिनियम में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए। कानून में 6 धर्मों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई और 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष तक का समय है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।